हेलो डियर स्टूडेंट्स तो आपको जैसे कि आपकी हिंदी टीचर ने समझा दिया था पूरा चैप्टर और उसका क्वेश्चन आंसर भी उन्होंने अपने मन से आपको बताए थे लेकिन मैं अब आप आपके लिए लेके आई हूँ एकदम तो फुल फॉर्मेट से क्वेश्चन आंसर्स तो आप इन्हें फटाफट -फड़ देख लीजिए एक बार तो कविता पढ़ के तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उसे कागज उसे चित्र को कागज़ पर बनाओ ये आपको चित्र कागज पर बनाना है तो ये तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा तो अब फटाफट ये सारे उत्तर हैं क्वेश्चन हैं अब फटाफट हम लोग इसका आंसर लिखेंगे ठीक है जैसे उत्तर नंबर वन जो आपका कविता से है कविता का सबसे पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा था जिसमें आपको बताया था कि जो कागज़ में उबरते हैं वो बना तो बच्चे चिड़िया का ऐसा चित्र बना सकते हैं जो कटोरी से दूध झुंडी खा रही हो जैसे ये चिड़िया कटोरी पे कुछ खा रही है ऐसा कुछ आपको चित्र बनाना है अथवा जल से मोटी निकाल रही हो ठीक है फिर दूसरा आपको क्वेश्चन मिला था कि कोई टाइटल दो अच्छा शीर्षक तो आप लिख सकते हैं प्यारी चिड़िया या आपकी टीचर ने आपको गर्बीली चिड़िया बनाया था वो भी लिख सकते हैं फिर आपका तीसरा क्वेश्चन जो था चिड़िया को किन चीज़ों से प्यार है तो चिड़िया को इन चीज़ों से प्यार है चिड़िया को अन्न से प्यार है नदी से प्यार है और विजन से प्यार है विजन यानी कि जंगल से प्यार है अब आता है उत्तर नंबर फोर चिड़िया का जो चिड़िया के बारे में ही क्वेश्चन था ये आपका मैं फटाफट आपको बता देती हूँ रस उडेल के गा देती है वाला आपका था तो चिड़िया का गाना इतना मधुर है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गाने में रस उडेल रही हो इस गाने को सुनकर कानों को बड़ा आनंद मिलता है चित्र प्रसन्न हो जाता है अब आपका दूसरा क्वेश्चन था कि नदी से बिल्कुल मोती निकालने वाले जो आपकी पंक्ति थी उसका ही क्वेश्चन था चिड़िया इतनी चतुर थी चतुर होती है कि वह नदी के जल से जल के बीच से मोती ढूंढ ले आती है वह उफ नदी, नदी में चली जाती है चिड़िया अपने काम में बहुत कुशल है अनुमान और कल्पना देखते हैं फटाफट तो उत्तर नंबर वन है आपका नीलकंठ आपकी टीचर ने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझाए हैं यह आपका जो है जो मैं अभी आपको करा रही हूँ यह आपकी है ऑलरेडी सॉल्यूशन क्लास तो आप इसकी फटाफट फड़ ले सकते हैं आपका स्क्रीनशॉट uh, में फटाफट -फ़ड़ पढ़ देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में कुछ डिफिकल्टी ना हो नील कंठ है पहले का उत्तर दूसरे का उत्तर है मैना हल्के काले रंग की होती है कौवा काले रंग का होता है इसके पंख कहीं कहीं गहरे व कहीं हल्के काले होते हैं बटक बतक की चोंच व हल्के पीले रंग के होते हैं वे पूरा शरीर सफेद पंखों से ढका होता है कबूतर कबूतर स्लेटी रंग का होता है उसकी लाल व पाँव गुलाबी रंग के होते हैं उसकी गर्दन पर हल्का काला व सतरंग रंगी रंग की झलक देखने को मिलती है उत्तर नंबर तीन देख लीजिए आप वह चिड़िया जो पंख फैलाकर ऊंचे उड़कर कर आकाशी ओर चली जाती है वह सुंदर चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ तो यह आपको एक बंद सुनाया गया है आपका क्वेश्चन रिलेटेड था उत्तर नंबर चार देख लीजिए वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है खुशबू अपनी फैला रहा है यह आपका एक और है और पीली पंखुड़ी वाली पौधा मैं हूँ मुझे हवा से बहुत प्यार है यह आपका पूरा फूल आप पौधा वाला ही है ठीक है तो यह आप फटाफट इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट्स जो ये है क्वेश्चन नंबर थ्री है आप इसका फटाफट ले लीजिए आई थिंक आपने ले लिया होगा आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ का भी आपको इधर से ले लीजिए मैं नीचे वाली लाइन भी दिखाऊंगी आपको ये आपने ले लिया होगा तो इसका भी ले लीजिए भाषा की बात में आते हैं उत्तर नंबर वन है रंग बिरंगे मोरों वाला बाग हरे बड़े पेड़ों वाला घर लाल फूलों वाली क्यारी पुराना स्कूल वाला रास्ता बहुत हंसने वाला बच्चा लंबी मूछों वाला आदमी इसमें आपको विशेषण बताने थे आपने फटाफट बता दिए हैं अब आपका क्वेश्चन नंबर टू था क्रिया विशेषण वाला फटाफट उसे भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी लुढ़कती हुई धीरे धीरे धप्प से फुर्ती से कोने में अचानक ओके okay, तो उस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आपको कमेंट में आंसर बताना है तो आपको कमेंट में आंसर बताने थे और यहाँ पे आप इसका भी स्क्रीन ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन भाषा की बात का भी आप स्क्रीन ले सकते हैं अब मैं आपको वो सारे आंसर इसे एक बार रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको फिर से उतना देखना हो उत्तर की लिस्ट आ गई है फटाफट इसका स्क्रीन ले लीजिए आई थिंक आप सबने इसका स्क्रीन ले लिया होगा अब मैं नीचे कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री से देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर है तो फटाफट यहाँ पे भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट अगर आपने क्वेश्चन नंबर थ्री का अच्छे से ना लिया हो तो मैंने क्वेश्चन नंबर थ्री भी अच्छे से दिखा दिया है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसके बाद अनुमान और कल्पना के जो आंसर हैं ये यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर आप नीलकंठ और दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं और इनका स्क्रीन ले लीजिए आई थिंक आपने स्क्रीन ले लिया होगा अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री का आप स्क्रीन ले लीजिए आई थिंक आपने ले लिया होगा अब क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पे इसके दो पंक्तियाँ और हैं वो नीचे हैं मैं आपको बताऊंगी पहले इसका लीजिए आपने ले ही लिया होगा अब आप कई दूसरी पंक्तियाँ दो इनका भी ले लीजिए आपको हमारे ऑल अबाउट एनसीआरटी चैनल में सारे क्वेश्चन उनके आंसर्स के साथ अवेलेबल किए जाएंगे तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए और बेझिझक आप हमारे चैनल को देखते रहिए अब आ है हमारे पास यहाँ पे भाषा की बात भाषा की बात में देखिए क्वेश्चन उत्तर नंबर वन का आप स्क्रीन ले लीजिए आई थिंक आप सबने ले लिया होगा और आप सबके मन में ये भी क्वारीज होंगी कि मैंने जो पहले के पार्ट थे उनके क्वेश्चन आंसर अवेलेबल नहीं किया गए हैं तो आप चिंता मत करिए उनके आंसर्स भी जल्दी इसी फॉर्मेट में आपको अवेलेबल किया जाएंगे ता आपको कुछ भी मेहनत ना करनी पड़े तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स आपको एक वाला वीडियो देखने के लिए ये सिर्फ छः मिनट का वीडियो था और इसमें आपको आपके सारे ही क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं थैंक यू